पर जो हमारा प्लांट टैक्सोनॉमी चल रहा है, इसमें लास्ट जो लेक्चर हुआ था अपना पिछली वाली क्लास में, क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था। जैसा टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन में तीन तरह के वर्गीकरण बताए थे, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, नेचुरल क्लासिफिकेशन और तीसरा था फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन जैसे नाम से ही पता था, बताया था आपको कि कुछ ही लक्षणों पर आधारित था, जिसको हम कृत्रिम वर्गीकरण कहते हैं। और इसमें हमने एक इम्पोर्टेंट नाम दिया था कृत्रिम वर्गीकरण में, वो था कैरोलस लीनियस का, जिनको हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। और कैरोलस लीनियस ने जो वर्गीकरण दिया था वो स्टेमन्स के नंबर के आधार पर दिया था, इसलिए इसको कृत्रिम वर्गीकरण में रखा था। फिर नेचुरल क्लासिफिकेशन आता है। नेचुरल क्लासिफिकेशन उसको इसलिए कहा गया, कुछ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पर और उनकी नेचुरल अफिनिटीज पर बेस्ड था, इसलिए वो नेचुरल क्लासिफिकेशन कहलाया। और नेचुरल क्लासिफिकेशन में सबसे इम्पोर्टेंट नाम आता है बेंथम और हुकर्स वर्गीकरण का, जो कि वर्ल्ड के अधिकतर कंट्री में उसको फॉलो किया जाता है। और वहां के हर्बेरियम बेंथम और हुकर के वर्गीकरण पर ही आधारित है। तीसरे टाइप का वर्गीकरण बताया था हमने, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, जिसमें जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है वो पौधों के इवोल्यूशन विकास पर आधारित था, कि पौधों का विकास किस प्रकार से हुआ था उस पर वर्गीकरण दिया गया था, इसलिए उसको फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन कहा गया। और उस क्लासिफिकेशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट नाम आता है वो एंगलर और प्रेंटल का वर्गीकरण, आपको नाम बताया था, हचिंसन का क्लासिफिकेशन बताया था। अमेरिका और यूरोप में एंगलर और प्रेंटल के वर्गीकरण को फॉलो करते हैं, बाकी सभी कंट्रीज जो नेचुरल क्लासिफिकेशन है बेंथम और हुकर के वर्गीकरण को फॉलो करते हैं। एंड फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में और भी बहुत से क्लासिफिकेशन है, लेकिन हम यहाँ पर क्योंकि सिलेबस में हमारे दो वर्गीकरण है, एंगलर एंड प्रेंटल क्लासिफिकेशन एंड हचिंसन का वर्गीकरण, उसका आगे डिटेल में पढ़ेंगे। और जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्गीकरण है वो है नेचुरल क्लासिफिकेशन में बेंथम एंड हुकर्स क्लासिफिकेशन। तो आज का हमारा टॉपिक है लेक्चर का बेंथम एंड हुकर्स क्लासिफिकेशन। ये जो क्लासिफिकेशन है, दो वैज्ञानिक जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर, ये इनका पूरा नाम है। जॉर्ज बेंथम का जो ईयर है 1800 से 1884 तक, और जोसेफ डाल्टन हुकर 1911। कई बार एक क्वेश्चन भी आता है बेंथम एंड हुकर का पूरा नाम बताइए, तो क्वेश्चन बनता है कई बार एक नंबर का, जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। और क्योंकि मैंने पहले भी बताया था बेंथम एंड हुकर जो वर्गीकरण है वो है नेचुरल क्लासिफिकेशन, क्योंकि ये नेचुरल अफिनिटीज पर बेस्ड है एंड सम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। ये जो वर्गीकरण है वो एपीडी कैंडोले के वर्गीकरण पर आधारित है। एपीडी कैंडोले का नाम पहले भी आया है, जैसे हम जानते हैं इन्होंने टैक्सोनॉमी शब्द दिया था। फिर वर्ल्ड वाइड क्लासिफिकेशन, वर्ल्ड के अधिकतर कंट्री एक्सेप्ट अमेरिका और यूरोप को छोड़कर बाकी सभी जगह बेंथम एंड हुकर के वर्गीकरण को फॉलो किया जाता है, और उसी के आधार पर वहां के हर्बेरियम भी व्यवस्थित किए गए हैं। और अमेरिका और यूरोप जैसे बताया, वहां पर फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन एंगलर और प्रेंटल के वर्गीकरण को फॉलो किया जाता है। ये जो क्लासिफिकेशन दिया था बेंथम एंड हुकर, दोनों साइंटिस्ट, बोथ आर ब्रिटिश साइंटिस्ट, और इन्होंने अपना ज्यादातर काम क्यू के अंदर बॉटनिकल गार्डन, और इन्होंने जो भी काम किया था वो अपनी एक बुक जेनेरा प्लांटरम के अंदर प्रकाशित करवाया था। ये अपने कई बार क्वेश्चन भी बनता है, बेंथम एंड हुकर के द्वारा प्रकाशित पुस्तक का नाम, बुक का नाम जेनेरा प्लांटरम, इसको तीन वॉल्यूम में प्रकाशित करवाया था। इसका ईयर देखिए आप, 1862 में पहला वॉल्यूम आया था और लास्ट वॉल्यूम आया था 1883 में। इनका देखिए डेथ ईयर जॉर्ज बेंथम का 1884, मतलब डेथ से कुछ समय पहले तक ये अपना काम करते रहे। बेंथम एंड हुकर ने जो क्लासिफिकेशन दिया था, यहाँ पर स्पर्मेटोफाइटा का वर्गीकरण दिया। स्पर्मेटोफाइटा का मतलब होता है सीडेड प्लांट, कहते हैं इनको हम प्लांट्स,
या स्पर्मेटोफाइटा को फेनेरोगेम्स भी कहते हैं, और इस स्पर्मेटोफाइटा डिवीजन को तीन क्लासेस में डिवाइड किया गया। पहली क्लास डाइकोटिलेडनी, दूसरी जिम्नोस्पर्म और तीसरी मोनोकोटिलेडन्स। अब कई बार क्वेश्चन आता है बेंथम हुकर की मेरिट और डीमेरिट बताइए, तो यहीं से मेरिट और डीमेरिट स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहली डीमेरिट थी जिम्नोस्पर्म्स की उपस्थिति, दो एंजियोस्पर्म के बीच में, यहाँ डाइकोट और मोनोकोट, इनके बीच में एक जिम्नोस्पर्म्स की उपस्थिति बेंथम हुकर की सबसे बड़ी डीमेरिट थी। जिम्नोस्पर्म्स क्या है? नग्न बीज पादप है, जो उनके सीड्स होते हैं वो किसी भी वॉल के अंदर एनक्लोज्ड नहीं होते हैं। तो इसकी जो प्रेजेंस है दो एंजियोस्पर्म्स के बीच में, तो इसकी सबसे बड़ी डीमेरिट बनती है। दूसरा डाइकोट, और इन्होंने डाइकोट को पहले रखा क्लासिफिकेशन में और उसके बाद में रखा मोनोकोट। जैसा कि हमें पता है डाइकोट को हम प्रिमिटिव ग्रुप मानते हैं और मोनोकोट को हम एडवांस ग्रुप मानते हैं, तो मोनोकोट को डाइकोट के पश्चात रखना, ये इसकी सबसे बड़ी एक मेरिट थी। अब यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स डाइकोट और मोनोकोट, जैसा नाम से पता चल रहा है डाइकोट, डाई मीन्स टू, तो टू कोटिलेडन्स जिन प्लांट्स के अंदर होते हैं उनको डाइकोट के अंदर रखा गया है। दूसरा एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर आता है, यदि हमें पूछा जाए कि यदि फील्ड में जाएं और आप बाहर से देखकर बता दें कि प्लांट डाइकोट है या मोनोकोट, तो कैसे पता चलेगा? इनकी लीव्स के अंदर रेटिकुलेट वेनेशन, रेटिकुलेट का मतलब होता है नेटवर्क लाइक, जालिकावत सिरा विन्यास पाया जाता है। नेक्स्ट जो वेस्कुलर बंडल होते हैं इनमें, यार ओपन, ओपन का क्या मतलब है? कैम्बियम प्रेजेंट, और कैम्बियम की प्रेजेंस क्या शो करती है कि इनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। इसके अलावा जो फ्लावर्स होते हैं इनके, पेंटामेरस या फिर टेट्रामेरस, फ्लावर में यदि पांच, पेंटामेरस का क्या मतलब होता है, जो कैलिक्स और कोरोला होते हैं यदि वो संख्या में पांच हो तो उसको हम कहते हैं पेंटामेरस। और कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जिनके अंदर चार सेपल्स या पेटल्स पाई जाती हैं, इसमें एक फैमिली को हम याद कर सकते हैं, वो है ब्रैसिकेसी, या जिसको हम क्रूसीफेरी भी कहते हैं। जितने भी डाइकोट प्लांट्स होते हैं उनके अंदर टैपरूट सिस्टम पाया जाता है। जैसे एनाटॉमी में पढ़ते हैं टैप रूट, फाइब्रस रूट, तो यहाँ टैप रूट का मतलब है कि रूट, जो भी रूट है वो रेडिकल से ही उनका ओरिजिन होता है, तो उसको टैप रूट कहते हैं। और ये टैप रूट आगे चलकर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी रूट्स के अंदर डिफ्रेंशिएटेड हो जाते हैं। तो कुछ डाइकोट के कैरेक्टर जिनमें दो कोटिलेडन्स हो, दो बीज पत्र उपस्थित हो, पत्तियां जिनमें जालिका और सिरा विन्यास पाया जाता है, वेस्कुलर बंडल ओपन होते हैं, और यहाँ पे कह सकते हो अरेंज इन अ रिंग, रिंग में एक वलय में व्यवस्थित होते हैं। ओपन का मतलब है कैम्बियम की उपस्थिति, कैम्बियम की उपस्थिति शो करती है कि इन प्लांट्स के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। फ्लावर के अंदर
पेंटामेरस होते हैं या टेट्रामेरस, चार या पांच दल पाए जाते हैं। चार दल सामान्यतः ब्रैसिकेसी या क्रूसीफेरी फैमिली के अंदर होते हैं और इनके अंदर टैपरूट सिस्टम पाया जाता है। नेक्स्ट जो क्लास है वो है मोनोकॉटिलेडन्स, जिनमें सिंगल कॉटिलेडन होता है पत्तियों के अंदर पैरेलल वेनेशन पाया जाता है, समानांतर सिरा विन्यास पाया जाता है। जैसे यहाँ लीव्स जो डाइकॉट के अंदर है रेटिकुलेट वेनेशन बाहर से देखने से पता चल जाता है, और मोनोकॉट के अंदर हमेशा पैरेलल वेनेशन पाया जाता है। वेस्कुलर बंडल क्लोज्ड एंड स्कैटर्ड। क्लोज्ड का मतलब है कैम्बियम अनुपस्थित होती है। कैम्बियम की अनुपस्थिति शो करती है कि इनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ भी नहीं पाई जाती। सेकेंडरी ग्रोथ नॉर्मली मोनोपॉड के अंदर नहीं पाई जाती, लेकिन यहां पर एक तो एक्सेप्शन है, फॉर एग्जाम्पल ड्रेसिना, युक्का, इनमें सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होती है, उपस्थित होती है। तो अगर क्वेश्चन पूछे कोई ऐसे प्लांट का नाम बताइए मोनोपॉड जिनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है, तो हम कह सकते हैं ड्रेसिना या फिर फ्लावर। डाइकॉट के अंदर पेंटामेरस या टेट्रामेरस होते हैं, इनके अंदर फ्लावर ट्राइमेरस होते हैं, थ्री कई होते हैं जिनके अंदर तीन पेटल और सेपल पाई जाती हैं, और रूट फाइब्रस रूट कह सकते हो इनको, आप एडवांटिटियस रूट पाई जाती है। फाइब्रस रूट और टैप रूट में एक कॉमन जो डिफरेंस है कि जब रूट्स रेडिकल से राइज होती हैं तो उनको हम टैप रूट कहते हैं, और रेडिकल के अलावा यदि किसी अन्य पार्ट से ओरिजिन होता है तो उसको हम फाइब्रस रूट कहते हैं। अब इसके बाद हम इसका पूरा एक बैंथम हुकर के वर्गीकरण का एक पूरा आउटलाइन, एक चार्ट बना लेते हैं, जिससे आपको पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन समझ में आ जाएगा, और पूरा एक यदि क्वेश्चन आता है आपके पास बड़ा या छोटा तो उस पूरे फ्लो चार्ट को हम बना सकते हैं। बैंथम और नुकर का फ्लो चार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे बैंथम और नुकर ने स्पर्मेटोफाइटा डिवीजन, जिसको हम फैनरोगेम्स भी कहते हैं, तीन क्लासेस में डिवाइड किया था, डाइकॉट, जिम्नोस्पर्म्स एंड मोनोकॉट। फिर डाइकॉट जो क्लास थी उसको तीन सब क्लासेस में डिवाइड किया, पॉलीपैटली, गैमोपैटली एंड मोनोक्लेमेटली। जैसा कि हमें पता है टैक्सोनॉमी, आगे टेक्निकल टर्म्स पढ़ेंगे तो डिटेल में आएगी, जो फ्लावर में चार पार्ट होते हैं, दो एसेंशियल दो एसेसरी, ठीक है, कैलिक्स सबसे आउटर वर्ल्ड होता है, फिर कोरोला, फिर एंड्रोशियम और फिर गाइनोशियम। तो यहाँ पॉलीपेटली का मतलब होता है बहुत सारे, नहीं, पॉली मीन्स सेपरेट, जो उसमें पेटल्स है फ्री, उन सबको रखा, यदि प्लांट डाइकॉट है एंड पेटल्स फ्री है उनको रखा पॉलीपेटली के अंदर, और यदि प्लांट डाइकॉट है और पेटल्स फ्यूज्ड है आपस में जुड़ी हुई है उनको रखा गैमोपेटली, और तीसरी सब क्लास बनाई मोनोक्लेमाइड। मोनो मीन सिंगल, तो यहां पर क्या होगा, सिंगल वर्ल्ड प्रेजेंट होता है, ओनली सिंगल वर्ल्ड, आइदर कैलिक्स और कोरोना। जब कैलिक्स प्रेजेंट होता है तब ऐसे फ्लावर को हम कहते हैं सेपल, जो कोरोला प्रेजेंट होता है ऐसे प्लांट को कहते हैं पेटेलोइड। यहाँ पे दोनों एक साथ उपस्थित नहीं होते, कैलिक्स और कोरोला, या तो कैलिक्स प्रेजेंट होंगे या फिर कोरोला प्रेजेंट होता है, तो उनको हम सेपेलॉइड या पेटेलॉइड कहते हैं, और इनके लिए कॉमन वर्ड यूज करते हैं पेरियम। फिर आगे पॉलीपेटली को तीन श्रेणियों में डिवाइड किया, थैलेमिफ्लोरी, डिस्किफ्लोरी और कैल्सिफ्लोरी। थैलेमिफ्लोरी के अंदर वो प्लांट रखे डाइकॉट प्लांट है जिनकी पेटल्स फ्री हैं और जिनमें ओवरी सुपीरियर और फ्लावर
हाइपोबैलेंस। और इसके अंदर छह ऑर्डर हैं। डिस्किफ्लोरी जो सेकंड सीरीज है, इसमें भी ओवरी तो सुपीरियर, लेकिन फिर क्या डिफरेंस हुआ? थैलेमिफ्लोरी में भी ओवरी सुपीरियर होती है, डिस्किफ्लोरी में भी ओवरी सुपीरियर होती है, लेकिन इसके अंदर अ डिस्क इज प्रेजेंट। ओवरी के नीचे एक डिस्क पाई जाती है, तो ऐसे डाइकॉट प्लांट जिनमें पेटल्स फ्री होती है, ओवरी सुपीरियर होती है लेकिन ओवरी के नीचे एक डिस्क उपस्थित होती है, ऐसे प्लांट को रखा डिस्की फ्लोरी के अंदर। और इसमें टोटल चार ऑर्डर सम्मिलित किए गए हैं। तीसरा ग्रुप था कैल्सी फ्लोरी का, जिनके अंदर ओवरी इज इंफीरियर। ओवरी जब इंफीरियर हो गई तो यहाँ पे जो फ्लावर है एपिगाइनस या फिर पेरीगाइनस, यहाँ पे हम कह सकते हैं इंफीरियर या हाफ इंफीरियर। तो डाइकॉट के अंदर तीन सब क्लासेस हो गई, पॉलीपेटली, गैमोपेटली, मोनोपेटली। पॉलीपेटली के अंदर पेटल्स फ्री होती हैं, इनको आगे फिर से तीन सीरीज में डिवाइड किया थैलेमी फ्लोरी, उनमें वो डाइकॉट प्लांट रखे जिनमें पेटल्स फ्री हैं लेकिन ओवरी इज सुपीरियर एंड फ्लावर हाइपोगाइनस। इसमें टोटल छह ऑर्डर हैं। सेकंड रखा डिस्की फ्लोरी, डिस्की फ्लोरी के अंदर भी ओवरी सुपीरियर है लेकिन डिस्क ओवरी के नीचे उपस्थित होती है, उनको एक अलग सीरीज के अंदर रख दिया डिस्की फ्लोरी में। और तीसरी सीरीज बनाई कैल्सी फ्लोरी, जिसमें ओवरी इंफीरियर या हाफ इंफीरियर, तो फ्लावर हो गया एपिगाइनस या पेरीगाइनस। यहाँ हम थैलेमी फ्लोरी से स्टार्ट करते हैं, तो हम जा रहे हैं ओवरी सुपीरियर से इंफीरियर की तरफ। इसका मतलब जो थैलेमी फ्लोरी ग्रुप है वो डाइकॉट में पॉलीपेटली में सबसे प्रिमिटिव ग्रुप है, और पॉलीपेटली में जो एडवांस हो गया वो कैल्सी फ्लोरी। तो यहाँ पे हम एक फैमिली जो ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है इसका, को याद कर लें रेनेल्स, और इसकी फैमिली है रेनेंथिलिस। और कोई क्वेश्चन आता है कि डाइकॉट की सबसे प्रिमिटिव फैमिली या प्रिमिटिव ऑर्डर कौन सा हुआ, तो ऑर्डर इज रेनेल्स, फैमिली इज रेनेंथिलेसी, जिसको हम बटरकप फैमिली भी कहते हैं, जिसका रेनेंथिलस जीनस है बटर कप के समान होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं रेनेल्स। इट इज द मोस्ट प्रिमिटिव फैमिली, इसकी डाइकॉट। फिर हम आते हैं गैमोपेटली पर, जिनमें पेटल्स फ्यूज होती हैं, डाइकॉट प्लांट है, लेकिन इनमें इसको भी तीन सीरीज में डिवाइड किया गया, इन्फेरी, हिट्रोमेरी और बाइकार्प। अब देखिए इन्फेरी का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे ओवरी इन्फीरियर। दूसरा जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, इसमें जो स्टेमन्स होते हैं इनका नंबर इक्वल टू कोरोना, पेटल के बराबर होता है। तो ओवरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या, इन्फेरी मतलब ओवरी इज इन्फीरियर। दूसरी सीरीज है हिट्रोमेरी, जिसमें तीन ऑर्डर आते हैं, ओवरी सुपीरियर, नंबर ऑफ स्टेमन्स इक्वल टू कोरोला और डबल। देखिए डिफरेंस हो गया यहाँ पे, स्टेमन्स हमेशा दल के भी पांच स्टेमन, पांच दल हैं, तो उनके सर की संख्या भी पांच होगी। यहाँ ओवरी सुपीरियर हो गई लेकिन स्टेमन्स की संख्या है तो इक्वल होगी या फिर डबल हो जाएगी। अब हम देखिए जो पॉलीपेटली सीरीज थी उसमें पहला जो ऑर्डर था उसमें ओवरी सुपीरियर, यहाँ पर क्या आ रही है ओवरी इंफीरियर, तो ये सुपीरियर से स्टार्ट हुई इंफीरियर की तरफ जा रही है। इसमें हम क्या कर रहे हैं गैमोपेटली में इंफीरियर से स्टार्ट कर रहे हैं और हम सुपीरियर की तरफ जा रहे हैं। जो थर्ड इसकी सीरीज है वो है बाइकार्पलेटी, इसमें भी
ओवरी सुपीरियर, नंबर ऑफ स्टेमंस इक्वल टू करोला और लेस देन करोला। और एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, जैसे नाम से ही बताया, इसमें बाई कार्पोरेट, नंबर ऑफ कार्पल्स ऑलवेज टू। और हेट्रोमेरी के अंदर मोर देन टू कार्पल्स, यह डिफरेंस हो गया। इन्फेरी में ओवरी इन्फीरियर, स्टेमंस की संख्या कोरोला के बराबर हो गई। हिट्रोमेरी के अंदर ओवरी सुपीरियर है, स्टेमंस की संख्या इक्वल है कोरोला के या डबल होगी, और कार्पल की संख्या हमेशा दो से ज्यादा होगी। बाई कार्पलेटी नाम से ही पता चल रहा है, कार्पल की संख्या हमेशा दो होगी, ओवरी सुपीरियर और स्टेमंस की संख्या या तो इक्वल होगी कोरोला के या फिर हमेशा उससे कम होगी। तो पॉलीपैटली के अंदर तीनों सीरीज में सुपीरियर से इन्फीरियर, गैमोपैटली में उल्टा चले इसमें, बैंथम होकर ये भी कर सकता था कि इसको भी सुपीरियर से इन्फीरियर करता, लेकिन यहाँ पे कर दिया इसको इन्फीरियर से सुपीरियर की तरफ। तो ये भी एक इसकी एक डीमेरिट में आती है, इसको हम इन्फीरियर से सुपीरियर की ओर जा रहे हैं। तीसरी सब क्लास है मोनोक्लेमाइडी। यहाँ पे देखिए, मोनोक्लेमाइडी में एक सिंगल वर्ड होता है, या तो कैलिक्स का होगा या फिर कोरोला का होगा, सेपेलॉइड या पेटेलॉइड, ठीक है। यहाँ पर इनको क्लासेज में डिवाइड ना करके सीधे ही हमने सीरीज में डिवाइड कर लिया है। सात सीरीज है उनको याद करने के लिए, देखिए सी ट्रिपल एम डी ए यू, सी कर्व एम्ब्री, पहली है नाम से पता चल रहा है जिसके अंदर एम्ब्रियो कर्व होता है। सेकंड है मल्टी ओव्यूलेट एक्वेटिसी, जिनमें ओव्यूल्स की संख्या बहुत अधिक होता है लेकिन प्लांट जलीय होगी। तीसरी है मल्टी ओव्यूलेट टेरेस्ट्रिस, स्थलीय पादप जिनमें ओव्यूल्स की संख्या बहुत अधिक हो। माइक्रो एम्ब्री, माइक्रो मीन्स स्पोर, जिनके अंदर एम्ब्रियो छोटा होता है उनको माइक्रो एम्ब्री के अंदर रखा। फिर डेफिनेल्स आता है, डेफिनेल्स के अंदर उन प्लांट्स को रखा जिनमें ओनली वन कार्पल, वन ओव्यूल एंड वन लोक्यूल, एक ही कार्पल हो, एक ही लोक्यूल हो और एक ही ओव्यूल हो, उनको डेफिनेल के अंदर रखा। और नेक्स्ट सीरीज है अक्लेमाइडोस्पोरी, अ मीन्स नन, नो कैलिक्स एंड कोन। लास्ट सीरीज है इसके अंदर यूनिसेक्सुअल, इस नाम से पता चल रहा है कि जो फ्लावर होगा वो कैसा होगा, यूनिसेक्सुअल। इस यूनिसेक्सुअल जो इसकी सबसे एडवांस फैमिली इसी ग्रुप में आएगी, दैट इज यू4बीएसी ऑफ डाइकॉट। डाइकॉट की सबसे प्रिमिटिव फैमिली कौन सी थी, रेनिनफुलेसी, और सबसे एडवांस यदि डाइकॉट की पूछा जाए तो वो है यू4बीएसी। लास्ट में इसमें एक ऐसा ऑर्डर बना दिया एनामेलस ऑर्डर बना दिया, जिसमें जो कैरेक्टर इनमें किसी में डाइकॉट के नहीं मिलते थे उनको एक अलग ऑर्डर में रख दिया। सेकंड जो क्लास है मोनोकॉटलिडन, बीच में हमने जिम्नोस्पर्म्स को छोड़ दिया क्योंकि ये नेकेड सीडेड प्लांट थे जो एंजियोस्पर्म में नहीं आते हैं। तो नेक्स्ट जो मोनोकॉट है इसमें भी इसको सीधे ही सीरीज में डिवाइड कर दिया, इसमें क्लासेस नहीं दी, ये इसकी एक डीमेरिट में आती है। इसमें भी सात सीरीज दी गई है इसको याद करने के लिए। माइक्रोस्पर्मी, सबसे माइक्रो मीन्स स्मॉल, स्पर्म मीन्स सीड, वे प्लांट मोनोकॉट ऐसे प्लांट जिनके अंदर सबसे छोटे आकार के सीड्स पाए जाते हैं माइक्रोस्पर्मी में रखे। और यहां पर फैमिली आती है ऑर्किडेसी। प्लांट किंगडम के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट सीड जो पाए जाते हैं वो है फैमिली ऑर्किडेसी में पाए जाते हैं। बस ये यहाँ पे याद रखना है अपने को। एपीगाइनी, एपीगाइनस कंडीशन जब ओवरी इंफीरियर होती है। कैल्सिनी, ओनली कैलिक्स आर प्रेजेंट, कोरोला एब्सेंट, उसको हम कहेंगे कैल्सिनी।
only corolla is present, उसको कहेंगे कोरोनरी में रखा मोनोपॉड की. न्यूडिफ्लोरी मीन्स नो कैलिक्स एंड कोरोना. एपोकार्पी, एपोकार्पस कंडीशन होती है जिनमें कार्पस फ्री होते हैं. और लास्ट जो इसकी सीरीज है ग्लूमेसी, जिनके अंदर ग्लूम्स पाए जाते हैं. ग्लूम्स का मतलब होता है स्टराइल ब्रेक्स. और इसके अंदर आती है फैमिली पोएसी, इसको हम ग्रैमिनी भी कहते हैं. ग्रैमिनी फैमिली के अंदर ग्लूम्स पाए जाते हैं. स्ट्राइक ब्रेक्ट जो फ्लोरेसेंस पढ़ेंगे डिटेल में, उसके उस समय इसको बताएंगे ग्लूम्स क्या होते हैं. तो अब यहाँ पे अपने को एक चीज ध्यान रखनी है कि जो ये फैमिली पोएसी या ग्रैमिनी है, इट इज द मोस्ट एडवांस्ड फैमिली ऑफ एंजियोस्पर्म्स. क्वेश्चन है कि डाइकोट की एडवांस फैमिली कौन सी है, तो यूफोरबियसी. और पूरे एंजियोस्पर्म में सबसे एडवांस फैमिली कौन सी है, तो वो है पोएसी फैमिली, याद रखनी. तो ये एक आपको आउटलाइन चार्ट बना दिया है बैंक में होकर का. इसको आप पूरी क्लास सीरीज तक अपन इसको याद कर सकते हैं विथ कैरेक्टर्स. Thank you.